आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस पार्टी के अहम योगदान वाले बयान पर कांग्रेसी गदगद हो गए हैं। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के दावेदार प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव सुनील शर्मा बिट्टू ने तीखी चुटकी लेते हुए भागवत के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिए गए बयान पर पीएम मोदी का चेहरा बेनकाब हुआ है। वहीं सुनील शर्मा ने सांसद अनुराग ठाकुर पर भी विकास को लेकर तीखे प्रहार किए। कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने भारतीय जनता पार्टी के मुखौटे को उतार फेंका है और आज भागवत ने देश की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस पार्टी के योगदान को सराहा है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने देश की जनता की आंखें खोली हैं और आने वाले समय में लोकसभा चुनावों में देश की जनता भी नई सरकार बनाने के लिए मतदान करेगी। कि आज मोदी का चेहरा बेनकाब हुआ है, आरएसएस के प्रमुख भागवत जी ने आज इस बात को माना है कि देश की आजादी से पहले देश को आज़ाद करने के लिए कांग्रेस का योगदान रहा और देश की आज़ादी के बाद देश के विकास के लिए भी कांग्रेस का योगदान रहा। और जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी जहां भी जाते हैं बिल्कुल झूठ बोलते हैं, एक ही बात कहते हैं कि 70 साल से हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ भी विकास नहीं हुआ। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज मोदी जी को अपनी आँखें खोल करके देखना चाहिए और आज हिंदुस्तान की जनता इस बात को जान गई है कि मोदी जो हैं वो झूठ का सहारा लेकर के, प्रचार का सहारा लेकर के, बोलने की राजनीति में विश्वास करते हैं और उनका हिंदुस्तान के विकास के लिए, गरीब की विकास के लिए, देश के विकास की योजनाओं से कहीं भी कोई भी रिश्ता नहीं है। हाँ, इसके उल्ट मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करके बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए योजना बनाते हैं, लेकिन मोहन भागवत जी ने जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं आज हिंदुस्तान की जनता की आंखें खोली हैं और मुझे लगता है कि अब आने वाले लोकसभा के चुनावों में जो मोदी जी ने झूठ का सहारा लेकर के झूठ की राजनीति की, देश को बांटने की राजनीति की, उसके ऊपर अंकुश लगेगा और आने वाले समय में हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस के पक्ष में नई सरकार बनाने के लिए अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। वहीं सुनील शर्मा ने सांसद अनुराग ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर चुनावों के बीच आकर स्टंट करते हैं और लोगों के बीच आकर झूठी बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर हवाई बातें करते हैं और पहले रेल का नाम लेकर चुनाव जीतते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर कागज की रेल और हवाई जहाज उड़ाते हैं, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है। हमीरपुर लोकसभा में पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का सांसद कार्य कर रहा है, जिसमें से 3 बार अनुराग ठाकुर को जनता ने चुनकर सेवा के लिए भेजा। लेकिन अनुराग ठाकुर जो कि 3 बार के सांसद हैं, उन्होंने अपने समय में सिवाय घूमने फिरने मौज मस्ती को ही अपना समय बिताया। हमीरपुर की जनता को अब उनसे कोई भी उम्मीद नहीं है तथा अब लोकसभा चुनावों के नजदीक आते देख एक बार फिर से अनुराग ठाकुर नाटक की राजनीति के जरिए जनता के वोटों को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इस बार हमीरपुर की जनता कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालकर पिछले 25 साल का हिसाब अनुराग ठाकुर से चुकता करेगी। अनुराग ठाकुर जी के लिए तो मेरा इतना कहना है कि जब भी चुनाव आते हैं वो स्टंट करते हैं, लोगों के बीच में उनको आना एक मजबूरी बन जाता है, क्योंकि अनुराग ठाकुर जी का ये चौथा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को 25 सालों के लोकसभा सांसद का जवाब देना है। अनुराग ठाकुर जी बिल्कुल हवाई बातें करते हैं, पहले तो वो रेल का नाम लेकर के चुनाव जीतते रहे और आजकल उन्होंने जाहू में हवाई जहाज उड़ाना शुरू कर दिया है। मैंने तो पहले भी कहा है कि अनुराग ठाकुर जी आप कागज की रेल चलाते हैं, कागज का हवाई जहाज चलाते हैं, लेकिन इस बात को मत भूलिए कि हमीरपुर लोकसभा की जनता, हमीरपुर की जनता पढ़ी लिखी है, वो आने वाले चुनावों में आपके इस झूठ का, आपके कागज की रेल, कागज का हवाई जहाज का हिसाब मांगेंगी और आपको 25 साल का हिसाब देना होगा जिसमें से 15 साल आपके हैं। अनुराग ठाकुर जी का इस बार चुनाव जीतना नामुमकिन है, बल्कि हमें तो सुनने में ये भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बात भी चल रही है कि उनको टिकट दिया जाए या किसी और को टिकट दिया जाए।